कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन ही कारगर हथियार है, लेकिन अब वैक्सीनेशन को लेकर जो लापरवाही बरती जा रही है वो जान पर भारी पड़ती जा रही है। ललितपुर में एक शख्स को 5 मिनट के अंदर वैक्सीन की 2 डोज दे दी गई, जिसके बाद उस शख्स की हालत बिगड़ने लगी तो हड़कंप मचा। वैक्सीन के लापरवाह विलेन कौन है आप ही देखिए। वैक्सीन के समय में जो नर्स थी वो बातें हमें इतनी उलझी हुई थी, तो उनने बैठे बैठे हमें पहले एक इंजेक्शन लगा दिया, वहीं बैठ के दूसरा लगा दिया तुरंत। दरअसल वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे कारगर हथियार बताया गया, लेकिन उसी वैक्सीनेशन में जमकर खिलवाड़ भी हो रहा है जो कभी कभी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी लापरवाही, 5 मिनट में लगा दी 2 डोज। कोरोना की दूसरी लहर ने जब देश में कहर बरपाना शुरू किया तो वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज कर दिया गया, लेकिन वैक्सीनेशन के दौरान कई तरह की खामियां देखने को मिल रही हैं जो जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती हैं। ललितपुर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान कुछ ऐसा मामला सामने आया जिसने स्वास्थ्य कर्मियों की सतर्कता पर सवालिया निशान लगा दिया। दरअसल ये है कृष्ण मुरारी, जो रावरपुरा मोहल्ले में लगे वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगवाने गए हुए थे। इसी दौरान जिन स्वास्थ्य कर्मियों पर वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी थी वो आपस में बात करने में तल्लीन थी, और इसी दौरान कृष्ण मुरारी को 5 मिनट के अंदर 2 डोज दे दी। क्या हुआ आपके साथ आज, घटना क्या हुई? सर, हमारे स्कूल में हमारा रजिस्ट्रेशन था वैक्सीन का जी, और सुबह गए तो वैक्सीन के समय में जो नर्स थी वो बातें हमें इतनी उलझी हुई थी, तो उनने बैठे बैठे हमें पहले एक इंजेक्शन लगा दिया, वहीं बैठ के दूसरा लगा दिया तुरंत। 2 वैक्सीनेशन कर दिया आज ही? हाँ सर। आज पहला डोज था आपका कि दूसरा? जी पहला डोज। हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि इंजेक्शन 2 लगाने हैं। क्या हो रहा है आपको, कोई तकलीफ हो रही है? थोड़ी सी घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। 5 मिनट में वैक्सीन की 2 डोज लगने के बाद कृष्ण मुरारी घर तो चले गए, लेकिन इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, बेचैनी होने लगी, जिसके बाद इस बात की शिकायत CMO से की गई। हालत बिगड़ती देख आधे घंटे उनको इमरजेंसी में रखा गया। मेरी जानकारी में आया है कि रावर स्कूल में एक बेनिफिशियरी को 2 बार इंजेक्शन लग गया है, तो वो बेनिफिशियरी लगा करके घर चला गया, फिर घर जा करके 1 घंटे बाद लौट कर आके उसने बताया, और ये ह्यूमन मिस्टेक बोथ साइड से है। लगाने वाले को भी पता होना चाहिए था, लगवाने वाले को भी पता होना चाहिए था कि इंजेक्शन भी बार लगता है, और चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा सुबह 10 बजे हो जाती है, तो उसमें इस तरह का होना नहीं चाहिए, लेकिन ये ह्यूमन मिस्टेक है, मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैंने लखनऊ में भी इसके लिए बातचीत की है, इससे ह्यूमन मिस्टेक हुई है, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ना होंगे। मैंने उस मरीज को खुद अपने पास 1 घंटा अपने पास बिठा के रखा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना होगी। और हाँ, अगर ये गलती हमारी ANM की हुई है तो मैं अकॉर्डिंगली वो रेगुलर बेसिस पे है, कॉन्टेक्ट बेसिस पे है, और किस लेवल पे क्या लगता है उसके अकॉर्डिंग कमेटी बनाकर जांच करा के उसको कार्रवाई करें। इस पूरे मामले पर डॉक्टर DK गर्ग ने जिम्मेदारी का ठीकरा पीड़ित पर ही फोड़ दिया कि वैक्सीन लगाने वाले के साथ साथ वैक्सीन लगवाने वालों को भी जानकारी होनी चाहिए थी, और साथ ही जांच का हवाला भी दिया। लेकिन इसके साथ ही सवाल खड़े होते हैं कि वैक्सीन की अधूरी जानकारी का कौन जिम्मेदार, ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन का क्या हया था, वैक्सीनेशन की जागरूकता न होने का कौन जिम्मेदार, 5 मिनट में 2 डोज से होती अनहोनी तो कौन होता जिम्मेदार। फिलहाल CMO ने इस बात की पूरी जिम्मेदारी ली है कि 2 डोज लगने से कोई दिक्कत नहीं है, और इसका वो दावा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि इसको लेकर लखनऊ तक स्वास्थ्य अधिकारियों से बात हुई है, फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं। उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैंने लखनऊ में भी इसके लिए बातचीत की है, इससे ह्यूमन मिस्टेक हुई है, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ना होंगे। मैंने उस मरीज को खुद अपने पास 1 घंटा अपने पास बिठा के रखा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना होगी। और हाँ, अगर ये गलती हमारी ANM की हुई है तो मैं अकॉर्डिंगली वो रेगुलर बेसिस पे है, कॉन्टेक्ट बेसिस पे है, और किस लेवल पे क्या लगता है उसके अकॉर्डिंग कमेटी बनाकर जांच करा के उसको कार्रवाई करूँगा। दरअसल ये कोई पहली दफा नहीं है जब वैक्सीनेशन के दौरान गलती की गई और लोगों को दिक्कत हुई। इससे पहले भी वैक्सीनेशन के दौरान इस तरह की गलती सामने आ चुकी है, जब पहली डोज कोविशील्ड की लगा दी गई थी और दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई थी, इसके बाद लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे थे। कॉकटेल वैक्सीन का सामने आया था मामला, 20 लोगों को लगा दी थी अलग अलग डोज।
दरअसल 26 मई को ऐसा ही मामला सिद्धार्थ नगर से सामने आया था, जहाँ स्वास्थ्य कर्मियों ने बड़ी लापरवाही की थी। वैक्सीनेशन के दौरान सतर्कता बरतने का लाख दावा किया जाए, लेकिन सिद्धार्थ नगर में तो कॉकटेल वैक्सीन दे दी गई थी। उस दौरान एक ही गांव के ऐसे 20 से ज्यादा लोगों का मामला सामने आया था, जिनको पहली डोज कोविशील्ड दी गई थी और दूसरी डोज देने की बारी आई तो कोवैक्सीन की डोज दे दी गई, जिसके बाद लोग घबरा गए थे। कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन, हाँ दूसरी वैक्सीन उसके जगह पर कोविशील्ड के जगह पर कोवैक्सीन लगा दिया। तो कोई दिक्कत हुई लगने नहीं? दिक्कत तो डर तो हमेशा बना रहा, दूसरा खुराक लगा दिए इन लोगों ने, कोवैक्सीन लगा दिया, लगाना चाहिए ये कोविशील्ड लगाना चाहिए। तो अभी तो भी अंदर बना हुआ शरीर के अंदर है कि कुछ ना कुछ जरूर हो ना जाए। ये सिर्फ आरोप भर नहीं थे, बल्कि खुद सिद्धार्थ नगर के सीएमओ ने इस बात को उस दौरान कबूला था कि 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको कॉकटेल वैक्सीन लगा दी गई। यही नहीं, उस वक्त लोगों को ऑब्जर्वेशन में भी नहीं रखा गया था, जिससे अगर कोई दिक्कत होती तो वक्त पर इलाज दिया जाता। खैर शुक्र है कि लगातार हो रही लापरवाही के बावजूद अभी तक कोई अप्रिय खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इन सब के बीच वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर जरूर असर पड़ता है, क्योंकि लोग फिर वैक्सीन लगवाने से डरते और घबराते नजर आते हैं। अब देखना ये होगा कि देश में चल रहे सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर स्वास्थ्य कर्मी कितना सजग होते हैं। एबीपी गंगा के लिए ललितपुर से शैलेंद्र जैन की रिपोर्ट।